देखो इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये गिवन है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल, पेंडुलम को मैंने वेलोसिटी दी यू, पेंडुलम ऊपर 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 जा रहा है, वेलोसिटी कम 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 कम, रास्ते में किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या बन गया थीटा, और उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई वी, वी बड़ी होगी कि यू बड़ा होगा, यू बड़ा होगा क्योंकि नीचे से वेलोसिटी ज़्यादा है, ऊपर जाने में कम कम कम, और एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक हो गया। क्वेश्चन है जब वेलोसिटी वी है टेंशन निकाल लो क्या है, ठीक हो गया, टेंशन निकाल लिए। रूल नंबर वन, पेंडुलम की मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, थीटा एंगल पर वेट एम जी, ये थीटा तो ये थीटा, तो एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या है वी, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर इसके पास क्या होगी सेंट्रीपिटल जो कहाँ करेगी टूवर्ड्स सेंटर, राइट, तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या है टी, और इसके ऑपोजिट क्या है एम जी कॉस थीटा, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर क्या है टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो पहला क्वेश्चन, अगर आपको न्यूमेरिकल में वी गिवन है फिर तो चलो बात ही खत्म, फिर तो आपको टेंशन निकालनी है, तो आपका आंसर आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, बात हो गई खत्म, डन आंसर, ठीक हो गया यहाँ तक। बट अगर आपको उसने वी नहीं दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया यू दिया, और वो कह रहे यार वी मैं नहीं देता तुम खुद ही निकाल लेना, तो खुद निकाल के आपको यहाँ पर वी पुट करना पड़ेगा तो आएगी टेंशन, और ज़्यादातर क्वेश्चन में वी आपको नहीं देगा, थीटा देगा वी नहीं देगा, यू देगा एक वेलोसिटी देगा दूसरी निकालने को कहेगा, तो क्या माइंड में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन, एक वेलोसिटी गिवन हो वर्टिकल सर्कल में और दूसरी निकालनी हो तरीका ही एक है एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को सेम कर देंगे, कैसे ये देखो। तो इसको करने के लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम है, तो वन पॉइंट पर और टू पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और टू पॉइंट पर जहां पे वेलोसिटी निकालनी है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम, ठीक है। ग्राउंड क्या माने, ग्राउंड तो लोएस्ट पॉइंट ही मान लो, ये मेरा ग्राउंड है, तो बताओ वन नंबर पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, वन नंबर पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है जीरो, ठीक है यहां तक। तो पॉइंट नंबर वन पे पोटेंशियल क्या है जीरो, पॉइंट नंबर वन पे काइनेटिक क्या है हाफ एम यू स्क्वायर, क्या ये स्टेप क्लियर है। पॉइंट नंबर टू पे काइनेटिक कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है एम जी एच, अब एच तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, आपको तो यू दे के कह रहा है कि वी निकाल लेना, एच कौन दे रहा है, एच तो मैंने लिया कि ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है एच, तो पोटेंशियल जी आपने क्या बोली एम जी एच, अब प्रॉब्लम ये है अब मेरे को एच निकालना पड़ेगा, पहले एच आएगा तो एच पुट करूंगा फिर जाके वी आएगा, और वी आएगा फिर टेंशन आएगी, अब कहाँ प्रॉब्लम फंस गई एच निकालने की, एच निकालें क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक, ये एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आया ये स्टेप। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है आपको एच दिया नहीं होगा, एच निकालने का बड़ा सही तरीका बताता हूँ, और ये बहुत कॉमन तरीका है, इसके फॉर्मूले को याद करेंगे कैसे, एच निकालने के लिए काम करो, ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या है एल, रस्सी की लेंथ क्या है एल, ये क्या है एल, ये क्या है थीटा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या है एक्स बाय एल, तो एक्स क्या है एल कॉस थीटा, क्या स्टेप क्लियर है, ये लेंथ क्या आएगी इस राइट एंगल ट्राइंगल से एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एल है ये थीटा है तो एल कॉस थीटा, और टोटल लेंथ क्या है एल, तो टोटल लेंथ एल में से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये ज्योमेट्री समझ में आई, ये हाइट एल है ये एल है टोटल, अगर मैं ये हाइट बता दूं तो एल में से ये माइनस कर दोगे, तो ये मान लो एक्स है इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा किसके इक्वल है एक्स बाय एल, तो एक्स क्या है एल कॉस थीटा, तो ये वाली हाइट क्या है एल कॉस थीटा, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये एल है ये एल कॉस थीटा है तो माइनस करके क्या आएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें,
पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो h की वैल्यू क्या आएगी, l माइनस l cos। तो आज की बात पेंडुलम की जब ऐसी प्रॉब्लम आई और h निकालना पड़े तो प्लीज ये ज्योमेट्री मत लगाना, सीधा फॉर्मूला लगाना क्या, l माइनस l cos थीटा। तो आज की बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 15 आएंगे, मैं सीधा ही बोला करूंगा l माइनस l cos थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब आप एक काम कर सकते हो, अब आपको इसका मतलब h पता लग गया, आपको u पता है, आप v निकाल लेना, v को टेंशन में पुट करके आंसर आ जाएगा। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो आप ये सोचेंगे मैं पढ़ लूंगा इसे कुछ निकल के आएगा, कुछ निकल के नहीं आएगा, ये मैंने अपने मन से बनाया कि अगर ये केस होगा तो ऐसा करना है, अगर ये केस होगा तो ऐसे करना है। हाँ, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ईजी आएगा, क्वेश्चन में ये देगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये देगा 60 डिग्री, लेंथ देगा 1 मीटर, तो न्यूमेरिकली करना बड़ा आसान होता है, फटाफट क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी में करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने थ्योरी में लिखा, न्यूमेरिकल में लिखता ज़्यादा आसान हो जाता। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं कैसे यूज़ किया करूँगा आगे से? ठीक है यहाँ तक?